वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आमिर और आप हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप जैसी कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके सामने है एक रेड कलर का बॉक्स जो कि ऑटोफाई कंपनी का है। तो हम इसमें देखेंगे कि जो मैं आपको बता रहा हूँ चार्जर और वो जो इसकी क्वालिटी है किस तरीके की है, वो अभी हम इसको ओपन करके देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको ओपन करते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये ऑटोफाई के लिए काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है जो कि ये चार्जर है, और कुछ इसमें स्टिकर वगैरह है जो कि हमें लगाने के लिए काम में आएंगे, और इसमें कुछ ऐसी जो कि ये पैड है और ये नीचे से लगता है, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा के जो चिपकाने के लिए पैड दिए गए हैं और उसको लगाने के लिए जो साइड में लगते हैं रबर के बुश वो दिए गए हैं। इस तरीके के लिए बुश है एक्स्ट्रा हमको कंपनी ने दी है। तो दोस्तों, अगर हम इसकी कीमत की बात करें, यहाँ पर कीमत इसमें मेंशन की गई है 1699 रुपये, तकरीबन 1700 रुपये का है, और ये मार्च में मैन्युफैक्चर हुआ है। तो इसको रखते हैं हम साइड में। मेन यूनिट जो है हमारा ये इस तरीके का है, इसको दो केबल आते हैं जो कि ये यूनिवर्सल चार्जर और मोबाइल होल्डर है जो कि इस तरीके का ये बना हुआ है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आपको मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप कोई भी कंपनी का ना ले, ऑटोफाई कंपनी का ही आप ये जो मोबाइल होल्डर है आपके बाइक के लिए किसी भी चीज़ में लगता है। सिर्फ इसको कनेक्शन के लिए 12 वोल्ट मतलब 12 वोल्ट का जो आपके गाड़ी में करंट होता है तो डीसी वोल्ट लगता है, इसको डायरेक्ट आप इसको आपके डीसी वोल्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो पैड है, ये रबर पैड है, ये आपका मोबाइल अच्छे से होल्ड करने के लिए दिया गया है, और ये इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा खुलता है, ओपन होता है, और इसमें आप बड़े से बड़ा मतलब यानी 7 इंच तक आप इसमें हैंडसेट या मोबाइल यूज़ कर सकते हैं अपना। और ये किस तरीके से आपको पैड इसमें इंस्टॉल करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ इसी वीडियो में। आपको ये बॉडी यूनिट खोलना पड़ेगा, इस तरीके से ये रिमूव हो जाता है और ये इसमें अंदर लग जाएगा इस तरीके से। इसको जो है आपको स्ट्रेच करके यहाँ लाना है इस तरीके से, इस तरीके से ये लग जाता है, और आपको जो है इसको देन बाद में इसी तरीके से आपको ये किसी भी तरफ मतलब यानी फ्लेक्सिबल है, घूम सकता है इधर या फिर इधर। तो आपने काफ़ी सारे ऐसे चार्जर या फिर देखा होगा ऑटोफाई के लिए, तो मैंने इसको तकरीबन 450 में बुलाया है, तकरीबन 450 रुपये में इसको मैंने बुलाया है। कीमत काफ़ी ज़्यादा मेंशन की हुई है, और ये आप जो है आसानी से किसी भी मैकेनिक से अपने सिटी के एरिया में मैकेनिक से इसके बाद जोड़ सकते हैं। और इसमें चार्जिंग पोर्ट दिया गया है 5.2 एम्पियर का, इस तरीके से है। इसमें आप छोटा नॉर्मल USB केबल डाल के आप अपने कोई भी हैंडसेट को, किसी भी तरीके के हैंडसेट को USB केबल के द्वारा चार्ज कर सकते हैं, और इसमें आप आसानी से इसको होल्ड कर सकते हैं, और ये मोबाइल होल्ड करे बाद मोबाइल के जो कॉर्नर होते हैं ये उसी में आसानी से लग जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।